विद्यार्थियों, आज हम प्रायिकता के संबंध में प्रश्न हल करते हैं। ताश की गड्डी में से दो पत्ते दैविक रूप से निकाले जाते हैं। दो पत्ते निकालने हैं। दोनों में से एक बादशाह और बेगम होने की क्या बात? एक बादशाह और बेगम होने की प्रायिकता। एक बेगम होने की संभावना। अब देखिए, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश में पत्ते होते हैं 52 और बादशाह जो होते हैं 4 और बेगम भी होती है 4। अब 4 में से एक पत्ता निकालना है और बेगम की 4 में से एक निकालना है और कुल 52 पत्तों में से दो पत्ते निकालने। ये तो फॉर्मूले द्वारा प्रश्न होगा। अब हम देखते हैं कि अपने पास में अनुत्तम स्थिति क्या है, कि बादशाह भी आ जाए और बेगम भी आ जाए। तो अपने पास पहली कंडीशन है, इस 8 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकालना है। तो पहला 8 में से मैंने एक पत्ता निकाला तो 8 पत्ते मांगा। बादशाह आ गया तो भी मेरा पत्ता निकल गया, बेगम आ गया तो भी निकल गया। अब पहला पत्ता निकला है या तो बादशाह होगा या बेगम। यदि बादशाह निकला है तो पीछे बेगम बची और बेगम ताश होती है 4। और यदि सपोज पहले बेगम निकलेगी तो पीछे बादशाह बचेंगे और वो होंगे 4। तो दूसरा अपने पास ऑप्शन आया 4, 52 में से एक पत्ता निकल गया था तो पीछे बचे 51। अब ये 1/13 और 8 51 इंटू 13 इंटू 13 66 ये संभावना। अब इसको भी सही करेंगे तो भी यही आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब यहां डिवाइड है बांटा के साथ, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 48 इन दोनों में क्या डिफरेंस? 50। अब इसको अपन दोनों का डिफरेंस हो गया 50। अब अपन इसको सरल करेंगे तब आपके पास यहां बच जाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 में 3 चले गए तो 4 बचा और नीचे कुछ नहीं बचा। इसमें अपन हल करेंगे तो 3 चले जाएंगे, 4 बचा और इसको अपन सरल करेंगे तो 50 चले गए तो नीचे बचेंगे ऊपर 51 इंटू 52 और यहां बचेंगे 2 इंटू 3। तो इसको अपन सरल करेंगे 4/1 इंटू 4/1 और संख्या उल्टी हो जाती है 51 इंटू 52। अब यहां पर ये 4 ये 13 तब ये 4 में 8/8 ये भी हो गया 663। इस मेथड से भी प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, एक थैले में से 4 सफेद और 2 काली गेंदे। एक थैले में सफेद है 4, काली है 2। दूसरे थैले में, ये तो पहले थैले में, दूसरे थैले में 2 सफेद 5 काली है। 5 काली। दोनों थैलों में से एक एक गेंद निकाली गई। अच्छा, इसमें से भी एक गेंद निकाली है। और फिर इसमें से निकाली। हाँ, फिर दोनों गेंदों के पहले कह रहा है सफेद होने की प्रायिकता। दोनों के सफेद होने की। हाँ, अब अपने पास क्या परिणाम आ सकते हैं? देखो जब जितने भी संभावित परिणाम आते हैं वो बता सकते हैं कि पहली गेंद निकले, पहली गेंद या तो सफेद निकल सकती है या काली निकल सकती है। दूसरे तरह से या तो सफेद निकल सकती है या फिर काली निकल सकती है। ठीक है, सफेद या काली और काली या सफेद। अब देखिए अपने पास ऑप्शन क्या हुआ, यदि पहले से सफेद निकले तो दूसरे से सफेद भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। यदि पहले से काली निकले तो हो सकता है दूसरे से सफेद निकले
या दूसरे से। तो इतनी बार संभावना हुई या तो दोनों पेंटे सफेद दिख गई थी, या दोनों पेंटे काली दिख गई थी, या एक सफेद और एक काली के। अब देखो पहले से सफेद निकलने की संभावना, सफेद है चार गेंदे और टोटल अपने पास गेंदे हैं छह, तो छह में से सफेद निकलने की संभावना चार बटे छह, और पहले से सफेद निकलने की संभावना चार बटे छह। अब काली गेंद निकलने की संभावना पहले पहले से दो और टोटल है छह, दो बटे छह। अब दूसरे पहले से, ये तो पहला गेला था, अब दूसरे सेले से सफेद निकलने की संभावना, तो सफेद अपने पास दो है और टोटल गेंदे अपने पास सात। अब इसके पास काली गेंद निकलने की संभावना टोटल पांच है और टोटल सात में से। फिर सफेद निकलने की संभावना वही दो बटे सात और यहां पर पांच बटे सात, तो ये हो गए आठ बटे बयालीस, बीस बट्टे बयालीस, चार बट्टे बयालीस और दस बट्टे बयालीस। अब सभी में दो का भाग जाता है तो चार बट्टे इक्कीस, दस बट्टे इक्कीस, दो बट्टे इक्कीस और पांच बट्टे इक्कीस, सबको जोड़ो दस चौदह, चौदह सोलह, सोलह और पांच इक्कीस, इक्कीस बट्टे इक्कीस। अब जो भी परिणाम पूछे ये पूछ ले दोनों गेंदों में सफेद होने की संभावना, उत्तर उठा चार बटे इक्कीस, दोनों की काली होने की संभावना तो अपने पास उत्तर उठा पांच बटे इक्कीस, एक सफेद और एक काली होने की संभावना तो एक सफेद और एक काली होने की संभावना ये भी है और ये भी है, ये बारह बटे इक्कीस, एक ही रंग होने की प्रायिकता। हाँ दोनों में एक ही कलर हो, एक ही कलर का होने जा सकता है, इधर की सफेद निकले इधर की सफेद निकले, इधर की काली निकले और इधर की काली निकले, तो इधर भी सफेद निकले इधर भी सफेद निकलने की संभावना चार बटे इक्कीस, और इधर से काली निकले और इधर से काली निकले तो पांच बटे इक्कीस, तो टोटल हो गया नौ बटे इक्कीस। ठीक है हाँ फॉलो संजय साहब। एक मैत्री ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसमें विशेषताएं हो गोरा वर्ण, इसकी संभावना बीस में से एक है, दुल्हन की तलाश, अच्छा दहेज वाली इसकी संभावना पचास में से एक है, अच्छा दहेज वो है पचास में से, पचास में से। पाश्चात्य तौर तरीके वाली इसकी संभावना सौ में से एक है, तौर तरीका सौ में से एक। यदि ये सभी विशेषताएं एक दूसरे से स्वतंत्र है तो इन विशेषताओं वाली लड़की से शादी होने की संभावना की गणना, सभी स्वतंत्र। अब देखो संभावना, गौरवर्ण लेना है तो उसकी संभावना गौरवर्ण का होना एक बटा बीस, अच्छा दहेज भी लाए एक बटा पचास, और पाचक तौर तरीके भी हो तो एक बटा सौ। सभी गुण किसी एक लड़की के अंदर विद्यमान हो तो ये मल्टीपल प्रोबेबिलिटी है, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक दो तीन चार, तीन और चार जीरो और दस। स्टार्ट हुआ एक लाख में से एक लड़की होगी, अर्थात उसका होने वाली दुल्हन है वो लाखों में से एक। ठीक है आगे, ए बी और सी तीन विक्रेताओं को एक विशेष वस्तु की 10,000 इकाइयां बेचने का एक लक्ष्य निर्धारित है। ये विक्रेता है ए बी सी, 10,000 टोटल है, यूनिट्स लिए है, यूनिट्स फॉर सेल है वो 10,000 यूनिट्स। उनके लक्ष्य को पूरा करने की संभाविताएं क्रमशः एक बटा चार, अच्छा
लक्ष्य प्राप्ति की संभावना एक बटा चार, चार एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा दो, एक बटा दो। अगर अब देखो यूनिट सेल इससे दे दिया ए की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट अपन ने दे दिए सेल करने के लिए, तो संभावना है वो इस लक्ष्य का चार में से एक कंडीशन में ये लक्ष्य प्राप्त करे, और बी है वो 10,000 यूनिट बेचने का तीन में से एक बार सफल होगा, और सी है वो दो में से एक बार सफल होगा। तो अपने क्या क्या परिणाम वास्तव में आएंगे, या तो तीनों ही सफल होंगे, या तीनों असफल होंगे, या दो सफल होंगे, या एक सफल होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के परिणाम आएंगे। तो इसने बोला है पहले जो जितने परिणाम आए ए सफल, ए बी और सी, ये भी सफल हो, ये सफल हो, ये सफल हो, तीनों ही सफल हो, फिर होता है ए सफल हो, बी सफल हो, सी असफल हो, ये सफल हो, ये असफल हो, ये सफल हो, ये असफल हो, ये सफल हो, ये सफल हो, ये तीनों के सफल होने की, ये तीन में से दो के सफल होने की, और तीसरा परिणाम आए एक के सफल होने की, एक के सफल होने, ये सफल हो, ये असफल हो, ये असफल हो, ये सफल हो, ये भी असफल, ये भी असफल, और ये सफल हो, और एक परिणाम आएगा तीनों के असफल होने की, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये सारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो तो ये लक्ष्य प्राप्ति की संभावना थी, और नहीं प्राप्त होने की संभावना, चार में से एक बार प्राप्त कर लेता है तो तीन कंडीशन में प्राप्त नहीं करेगा, तो तीन बटे चार, वन में से माइनस किया, वन माइनस एक बटा तीन, तो पीछे बचे दो बटे तीन, एक बटा दो, वन माइनस एक बटा दो, पीछे बचा एक बटा चार। अब तीनों के सफल होने की एक बटा चार इंटू एक बटा तीन इंटू एक बटा दो, तो ये हो रहे चार के बारह भागों में चौबीस, एक बटा चौबीस संभावना है तीनों। अब दो के पहले में राइट का निशान है तो एक बटा चार, दूसरे में राइट का निशान है एक बटा तीन, तीसरे में क्रॉस का निशान है तो इधर वाला एक बटा दो, तो ये हो गया एक बटा चौबीस। पहले में राइट का निशान है एक बटा चार, क्रॉस का निशान है तीन बटे चार, दूसरे में क्रॉस का निशान है दो बटे तीन, राइट का निशान है एक बटा तीन, यहां एक बटा दो और एक बटा दो, ये हो गए दो बटे चौबीस, और ये हो गए तीन बटे चौबीस, और इनकी सभी जो हो गई छह बटे चौबीस। अब है एक के सफल होने की, तो पहले में राइट का निशान है तो एक बटा चार, दूसरे में क्रॉस के निशान है तो तीन बटे चार, तीन बटे चार, फिर दूसरे में क्रॉस का निशान है एक बटा तीन सफल होने की, और असफल होने की दो बटे तीन, फिर एक बटे तीन और दो बटे तीन, फिर इसलिए क्रॉस का निशान है तीसरे में तो एक बटा दो सफल होने की भी एक बटा दो, असफल होने की भी एक बटा दो, तो टोटल हो गए दो से दो बटे चौबीस, तीन बटे चौबीस और छह बटे चौबीस, तो टोटल हो गए दो तीन पांच और छह ग्यारह बटे चौबीस। अब तीनों की असफल होने की तीन बटे चार, दो बटे तीन और एक बटे दो, तो ये तीन दूनी छह, छह बटे चौबीस। अब परिणाम आया एक और छह सात, सात और ग्यारह अठारह, अठारह और छह चौबीस, चौबीस बटे चौबीस। अब प्रश्न पूछ लिया अपन को तीनों के सफल होने की संभावना, तीनों ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो संभावना है एक बटा चौबीस, और कितने यूनिट बेच पाएंगे एक बटा चौबीस की संभावना। यदि तीनों में से कोई भी दो सफल हो जाए तो वो है छह बटे चौबीस, और तीनों में से कोई एक लक्ष्य को हासिल कर ले तो अपने पास आंसर आएगा ग्यारह बटे चौबीस, और तीनों ही असफल हो जाए, एक भी विक्रेता वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके तो हो जाएगा छह बटे चौबीस। अब दूसरा एक प्रश्न
पूछा जाता है कि कम से कम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, कम से कम लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना होगी 1 और 6 7 7 और 11 18 18 बटे 24, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1 माइनस 6 बटे 24, या तो अपन बोल सकते तीनों कम से कम प्राप्त होने की, कम से कम एक द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना, तो संभावना हो जाएगी 1 बटे 24 प्लस 6 बटे 24 प्लस 11 बटे 24, 11 और 17 18 बटे 24, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं 1 माइनस तीनों के द्वारा सफल होने की, एलसीएम 24 24 माइनस 6 18 बटे 24, इस तरह से अपन ने धन्यवाद।